अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्षय ज़ादा और मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है एजुकेशन में। और इसके अलावा नई सुबह में काम कर रही हूँ एज अ ऑडियो एडिटर, और इसके अलावा TLP में मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह भी करवा रही होती हूँ। और पिछले साल भी आप लोगों के साथ मैंने एक ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया था और इस बार भी आप लोग को एक ट्रेनिंग करवा रही हूँ। ट्रेनिंग का नाम है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव फीडबैक। और मैं अकेले ट्रेन नहीं करवा रही, मेरे साथ जो है मेरे एक टूर ट्रेनर हैं एहसन इकबाल। सो अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम तमाम पार्टिसिपेंट्स को, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जानिब से भी कि आप तमाम लोगों ने इस मीटिंग को जो इस ज्वाइन किया और इस ट्रेनिंग का पार्ट बने। फीडबैक हम तमाम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम फीडबैक को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करें। और ये इंटरेक्टिव सेशन होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं होगी, लेकिन ये थोड़ा सा लास्ट में ताकि हम अपना कंटेंट भी आप तक पहुंचा सकें, अपनी बात आपके सामने रख सकें, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आप लोगों से डिस्कशन होगी। सो अक्सा प्लीज आप ज्वाइन करें और स्टार्ट करें ताकि हम जो है वो फर्दर प्रोसीडिंग्स करें। थैंक यू सो मच एसन। अच्छा जी, इसी तरीके से आप सबने भी पार्टिसिपेट करना है मगर आखिर में करना है, तो आप लोग की जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उसे नोट डाउन कर लें एक साइड पे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं। उस वक्त जब बात चल रही होती है हमारे जहन में सवाल आता है और फिर हम एकदम भूल जाते हैं, तो आप लोग ये है कि अपने पॉइंट्स को कहीं नोट डाउन कर लें, फिर बाद में आप लोग इजिली कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, जिस तरह बात की एसन ने कि फीडबैक जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, फीडबैक को हम क्या समझते हैं सिंपल, अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसकी बात करें तो ये होती है राय देना। ठीक है ना, यानी किसी भी चीज में जो है कोई भी अमल हो रहा है उसका रद्द अमल आपकी तरफ से क्या आ रहा है, या कोई भी चीज आप कर रहे हैं और दूसरे जो शख्स है उसके जरिए क्या रद्द अमल आपको आ रहा है, ये होता है फीडबैक। ठीक है ना, और यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन उसकी जो आपको दी जा रही है, आपसे ली जा रही है, उसके हवाले से आपकी एक अपनी क्या राय होती है, या सामने वाले की जो राय है वो आपके लिए क्या होती है, इसको हम कहते हैं फीडबैक। ठीक है, यानी कि राय देना किसी भी चीज के हवाले से। और ये सब जो है ये इसकी जो अहमियत है वो सिर्फ आपकी यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होती है, बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी होती है। इसके अलावा आपके अंदर भी आपको जरूरी होता है कि आप मशवरा करें या अपने सोचें, अपनी सेल्फ असेसमेंट करें कि आपने किस तरीके से जो है वो चीजों को सॉर्ट आउट करना है। राय हम इसलिए लेते हैं या इसलिए देते हैं ताकि जो चीज अगर गलत हो रही है उसको सही कर सके और इम्प्रूव कर सके, क्योंकि जो सीखने का अमल है वो हमेशा जारी और सारी रहता है, और उसके लिए जो है वो हम एक दूसरे से राय लेते हैं। इसकी कुछ टाइप्स हैं तो मैं चाहूंगी कि एसन उसकी टाइप्स के बारे में बात करें कि उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और हमें किस तरीके से जो है वो किन टाइप्स को मद्देनजर रखते हुए अपने फीडबैक को आगे डिलीवर करना चाहिए। जी एसन। हाँ जी, थैंक यू सो मच अक्षा। और हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि हम जब फीडबैक्स देते हैं या कोई भी हमसे पूछता है कि आपको मेरा काम कैसा लग रहा है या आप क्या कहना चाहेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पॉजिटिव फीडबैक यूज कर रहे होते हैं ताकि एक तो एक आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें, या फिर आप जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को अगर मजीद इन्हेंस करवाना चाहते हैं या किसी के हवाले से आप मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आप वहाँ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का यूज कर रहे होते हैं। और अगर कोई चीज गलत हो रही होती है तो वहाँ आप करेक्टिव फीडबैक का यूज कर रहे होते हैं। ये तो टाइप्स हो गए, लेकिन आप इन्हें इफेक्टिवली कैसे यूज कर रहे होते हैं इसके लिए आपको इनका पता होना जरूरी है कि एक्चुअली ये होती क्या है। यानी एक तो हो गया, जब आप कोई जैसे लेट सपोज हम कोई ऐप यूज करते हैं तो वहां पे 5 स्टार्स देते हैं सीधा सीधा, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हम 5 स्टार्स दे देते हैं। एक तो इसके दो इंटेंशन होते हैं, या तो आपको वाकई वो प्रोडक्ट अच्छी लगती है या आप जान छुड़ाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। तो मेरी आप लोगों को भी राय ये होती है कि आप लोग इसे जान छुड़ाने के लिए प्लीज मत कीजिएगा, और कोई भी ना करें। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जाहिर सी बात है, अगर आपसे आपसे किसी ने कहा है ना योर फीडबैक इज इम्पोर्टेंट टू मी, या किसी कंपनी के लिए आपका फीडबैक इम्पोर्टेंट है, तभी उन्होंने मांगा है और कंपनी उसको उसी तरीके से इम्पोर्टेंस देती है। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि उस चीज को इम्पोर्टेंस दीजिए ताकि आप तमाम लोगों का जो फीडबैक है वो पॉजिटिवली उन तक पहुंचे। अगर आपने पॉजिटिवली फीडबैक देना है तब भी पॉजिटिव दें, और अगर आपने कंस्ट्रक्टिव मजीद कोई आइडियाज आपके जहन में है तो आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने का भी वही तरीका होता है कि आप पहले उनकी जो जो उनकी चीज आपको अच्छी लगी है, जो पसंद आई है, आप पहले वो
उनके सामने रखेंगे कि ये चीज आपकी बहुत मजे की है, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसमें फलां फलां एडिशंस हो जाएं या मजीद बेहतरी आ जाए, मजीद कुछ एड ऑन इसमें आप शामिल कर लें, तो ये आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, परफॉर्मेंस की भी अगर हम बात करें, अगर हम इंटर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंटल कन्वर्जेशन की बात करें, अगर हम टीम कम्युनिकेशन की बात करें, अगर हम अपने लीडर्स या अपने हेड्स के साथ कम्युनिकेशन की बात करें, तो वहां भी हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं। आगे बात आती है करेक्टिव फीडबैक की, यानी आप किसी चीज को करेक्ट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप जाते ही बोल देंगे कि भाई आपने ये काम क्यों किया, ये काम गलत हो रहा है, आप इसे ठीक कर लें, तो मे बी सामने से आपको रिएक्शन देखने को मिले, एज कम्पेयर टू कि आप अगर बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे अंदाज में और मीनिंगफुल तरीके से स्पेसिफिक होकर, क्लियर होकर, आप जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव टोन में आप बात करते हुए सामने वाले को बताएंगे कि आपकी ये चीज यूं है, आप इसे इस तरह कर लीजिए, तो मे बी वहां से आपको जो फीडबैक मिलेगा इट वुड बी वेरी कंस्ट्रक्टिव और सामने वाले के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हम एक फीडबैक की बात करें, एक टाइप ऑफ फीडबैक है जिसको नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। मेरे ख्याल से नेगेटिव फीडबैक को हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज्यादा हम अवॉइड कर सकें वो करें, यानी आप सीधा सीधा अगर किसी को नो बोल देंगे तो वहां पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी लेस हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो कोशिश आपको ये करनी है कि नेगेटिव फीडबैक, यानी जिसे हम कहते हैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में अगर बात करो कि आपने भड़ास निकाल दी किसी पे या किसी चीज की, आपको आपने सामने वाले को जो है ना एक तरीके से ब्रूटली उसको जो है वो आपने निग्लेक्ट कर दिया या फिर आपने उसको इग्नोर कर दिया, जैसे भी आप इसको समझें, लेकिन नेगेटिव फीडबैक से कोशिश किया कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा गुरेज करें। जैसे कि लेट सपोज हम कॉल सेंटर्स की एग्जाम्पल ले लें, तो जैसे आप के इलेक्ट्रिक पर लेट सपोज हमने कॉल किया है या हमारे पास कॉल आई है, तो वहाँ 95% प्लस जो है वो आपको नेगेटिव फीडबैक सुनने को मिलता है। यही अगर कोई ऐसा बंदा हो जो कि फीडबैक को जानता हो और वो सीएसआर को बोले कि भाई इतने टाइम से मेरे पास लाइट नहीं है, पहले लाइट आ रही थी, अच्छी आ रही थी, मीटर मेरे पास ठीक लगा हुआ है, बिल्स मैं पूरे पे करता हूँ, अभी जो है वो मैंने देखा है कि आसपास भी कोई लाइट नहीं है और मेरे इलाके में भी कोई लाइट नहीं है, तो आप देख लें क्या ये कोई हमारे एरिया की कोई मेंटेनेंस का इशू है या फिर मेरे घर के अकेले, तो वो सामने वाला इंटरेस्ट लेगा कि सामने वाले ने मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है तो मैं अब इस चीज को इंटरेस्ट लेकर अपना काम करूँ, तो वो उसको देखेगा तो वो कहेगा कि आप ये पूरे एरिया का इशू है, तो वो कहेगा कि पूरे एरिया की तरफ से कंप्लेन लॉक कर लें और इसे जब वो फर्दर मुझे बता दें कि किस तरीके से आप इसको कब तक मुझे टाइम टेबल दे दें। तो ये करेक्टिव फीडबैक था लेकिन नेगेटिव फीडबैक नहीं था। अगर यही सामने वाला बंदा बोलता कि इतने घंटे से लाइट नहीं आ रही है, आप लोग का तो काम करने का तरीका ये है, आप लोग हमेशा इसी तरह करते हैं, आप लोग की रेपुटेशन खराब है, समथिंग लाइक दैट, तो ये क्या होता कि सामने वाला इस चीज को बहुत ज्यादा मतलब वो कहता ठीक है भाई इसकी कॉल निपटाओ, बाबा हम माजरा चाहते हैं, ठीक है आप आपकी तरफ से हमें ये चीजें हमारी तरफ से आपको ये चीजें फेस करने को मिली हैं, तो इनशाला नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा और समथिंग लाइक दैट, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, आपकी बात का सामने वाले पे कोई असर नहीं हुआ, तो नेगेटिव फीडबैक से आप लोगों ने गुरेज करना है। अच्छा, फीडबैक टाइप्स की हमने बात कर ली, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे समझ में आती है वो आती है फीडबैक प्रोसेस की। हर तरीके का फीडबैक देने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। इसमें हम सिर्फ की पॉइंट्स की बात करेंगे कि हम अपना जो फीडबैक डिलीवर कर रहे हैं उसका प्रोसेस क्या रख रहे हैं, किस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करना है किस फीडबैक के लिए। तो इसमें सिर्फ तीन पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जिसके लिए अगर हम फीडबैक प्रोसेस की बात करें तो फीडबैक स्टार्ट होता है आपकी कन्वर्जेशन की ग्रीटिंग्स के साथ, मतलब आपने जो स्टार्ट लेना है ना, इसमें अगर मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुस्कुराना भी सदका है, तो आप जब कन्वर्जेशन के स्टार्ट कर रहे हैं तो यू शुड स्टार्ट ऑलवेज विद स्माइल। अब स्माइल करने के दो तीन तरीके, एक तो ये होता है कि आपकी जो गालें हैं इसके थ्रू आप मुस्कुरा रहे हैं, एक होता है आपका पूरा थ्रोट के थ्रू आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका जो लोअर लिप है उसके थ्रू आप मुस्कुरा रहे हैं। ये मैं फेशियल एक्सप्रेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मैटर करते हैं फीडबैक देने में, और किसी भी कन्वर्जेशन के स्टार्टिंग जो जेस्टर्स होते हैं ना, ये सामने वाले बंदे को ये बताते हैं कि सामने वाला बंदा जो आपको फीडबैक देना चाह रहा है एक्चुअली वो कितना सीरियस है आपके मामले को लेकर। क्योंकि फीडबैक देने का जो बेसिक मकसद या गोल होता है ना, वो ये होता है कि सामने वाले को इम्प्रूव करवाया जाए, ना कि उसे क्रिटिसाइज किया जाए, उसे बताया जाए कि भाई तुम ये काम ठीक से नहीं कर सकते, उसकी इसकी हेल्प करनी है, उसे सोल्यूशन प्रोवाइड करने हैं, उसे सपोर्ट करनी है कि आपने अपने काम को मजीद बेहतर कैसे बनाना है, ये होता है इफेक्टिव फीडबैक। तो इसके लिए हमें जाहिर सी बात है अपनी कन्वर्जेशन को जो इनिशिएट करना है, जो स्टार्ट लेना है, वो आप अच्छी ग्रीटिंग्स से ले सकते हैं, आपका दिन आज का कैसा गुजरा, आपने खाने में क्या लिया, आजकल जिंदगी कैसे गुजर रही है, समथिंग लाइक दैट, ये वो जुमले हैं, अस्सलाम वालेकुम,
और ये इस तरीके के जुमले हैं जो सामने वाले को जो है वो अटेंटिव करते हैं कि मतलब एक अच्छा जेस्चर जाता है आपकी तरफ से, एक समझ लें एक अच्छा पैगाम जाता है। जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि आप किसी के पास जा रहे हैं तो कोई तोहफा लेकर जाएं, तो इससे भी एक आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं एज कम्पेयर टू जाते ही आप, जी भाई ये बात है आपकी तरफ से, ये कंप्लेन हमें मिल रही है, ये मैं आपकी तरफ से क्या सुन रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस चक्कर से बचने के लिए आप जो है वो जब फीडबैक की कन्वर्जेशन को स्टार्ट लें तो कोशिश करें कि अच्छी ग्रीटिंग्स के साथ लें और अच्छे पोस्टर्स और जेस्टर्स के साथ स्टार्ट लें। उसके बाद आ जाती है आप जब फीडबैक रिसीव कर रहे हैं, फीडबैक रिसीव करते हुए भी फीडबैक पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप रिजिलियंस के साथ फीडबैक को सुनेंगे, ओपननेस के साथ सुनेंगे। यानी आपकी नीयत ये नहीं होनी कि ये बंदा मुझे जो राय दे रहा है बस ठीक है, इसका हक है राय देने का, ये राय दे ले और दैट्स इट। आपने वहां बैठना ही इस नीयत से कि मैं यहाँ से जाऊंगा तो अपने लिए कोई चेंज लेकर जाऊंगा, सामने वाले की बात मैं सुन रहा हूँ, ये ट्रेनिंग मैं अटेंड कर रहा हूँ, या कोई भी कन्वर्जेशन हो रही है, कोई प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसमें हम एक फीडबैक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हम किसी की बात सुन रहे हैं या अपनी बात सुना रहे हैं। अगर हम इधर इधर फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ एज रिसीवर, यानी आप बात सुन रहे हैं सामने वाले की, तो आप उसमें कोशिश ये करेंगे कि आपने जो सामने वाले की बात सुननी है पूरे एक्टिव होकर सुननी है, नंबर वन। नंबर टू, आपने रेजिलियंस शो करनी है, आपने पूरी बात सुनने के साथ साथ कोशिश ये करनी है कि आप यहाँ अगर सामने वाला बंदा आप पे तनकीद भी कर रहा है, आपकी वो बातें हाईलाइट कर रहे हैं जो आप आपके पेन पॉइंट्स हैं, तब भी आपने एक रेजिलियंट होकर, हाँ ठीक है रेड लाइन सबकी होती है, आपने भी एक हद तक सुनना है बाद में से बताना है कि प्लीज आप जो है वो टू द पॉइंट बात करें या समथिंग लाइक दैट, वो आप इस तरह बता सकते हैं कि आपने लड़ना झगड़ना नहीं है, आपने अपनी टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक रखनी है, लेकिन आपने रेजिलियंस शो करनी है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपने जो है वो सामने वाले को गुस्सा नहीं करना। थर्ड पॉइंट हमारा जो इसी फीडबैक प्रोसेस में आता है वो आता है इमोशन रिएक्शन पे, सामने वाला किस इमोशनल स्टेट में है आपको उसका आइडिया होना चाहिए फीडबैक लेते वक्त भी फीडबैक देते वक्त भी। एक बंदा ऑफिस लेट आया है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था, आपको नहीं पता कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, आप आते ही आप जो है वो लेट आए हैं, आप हर बार लेट आते हैं, आपके पास बहुत बहाने हैं और ये और वो, भाई आप उसकी सिचुएशन पहले जांच लो, अगर उसने बताया भी है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, आपको लगता है कि बहाना है, आप उससे पूछ लो भाई कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, कोई तो निशान होगा, कोई तो बात होगी, आप उसकी थोड़ी सी इंक्वायरी कर लें, वो आपको बता देगा। और इसके अलावा अगर आप पहले से जजमेंटल हो जाएंगे कि ये बंदा तो आते ही जो है वो कोई बहाना करेगा या कोई ऐसी बात बताएगा जो इसकी तरफ से प्री प्लान्ड होगी या पहले से इसने सोच रखा होगा, प्लांटेड एक चीज हमारे सामने रखेगा, तो आप वो फीडबैक ना ले पाएंगे उससे और ना सामने वाले को उस हवाले से इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर वो प्लांटेड भी है, अगर वो ऐसा करता भी है, उसने कोई वतीरा बना लिया, तो फिर आपने उसको चेंज तो करना है ना, वो चेंज भी फीडबैक के थ्रू होगा, क्योंकि इंटरनली तो वो ये समझ रहा है कि मैं सबको जो है वो ये बहाना करा देता हूँ और मेरा काम बन जाता है। आपने उसे बताना है कि उसकी कुछ मॉरल वैल्यूज हैं, कुछ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो आपने उसको किस तरीके से बतानी है, उसको डिलीवर कैसे करनी है, उसका पूरा प्रोसेस है। उसके लिए आपको सामने वाले के इमोशनल रिएक्शंस को देखना है सबसे पहले, उसकी सिचुएशंस को देखना है। सेकंड थिंग, अगर कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, आप रिसीविंग एंड पे, तो तब भी आपने सामने वाले की सिचुएशन देखनी है कि वो आप पे क्यों गुस्सा कर रहा है, आपके किसी काम ने उसे जाने अनजाने में हर्ट किया है, तो फिलहाल उसका बनता है गुस्सा करना, आप उसकी बात सुने, नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा से उसके पास जाएं और उसे बोलें भाई फलां दिन आपने मुझे ये बात कही थी कि आप बिल्कुल इसी तरीके से, तो मे भी सामने वाला बंदा बोले यार उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, मुझसे ये बोल हो गया और समथिंग लाइक दैट, तो आपने उस चीज को फिर आपको समझ में आ जाएगी कि अगर उस वक्त मैं ऐसे रिएक्ट करता तो क्या बात होती। आपका एक कंपनी के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है, आपके कोलीग्स के साथ खराब हो जाता है, आपके अगर पर्सनल लाइफ में आए तो वहां भी आप अपने जो है वो आसपास अपने चाहने वालों को खो बैठते हो सिर्फ इसी वजह से, या फिर उन्हें बददिल कर देते हो, या आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है सिर्फ इसी वजह से कि आप हम जो है वो इमोशंस को समझने के बजाय बहुत जल्दी रिएक्ट करने पर फोकस करते हैं। यानी हमारा बस मकसद ये होता है कि जिस तरह जैसे ही सवाल हो वैसे ही हम फौरन से जवाब दे दें। फीडबैक प्रोसेस की हमने बात कर ली है और इसके ऊपर भी मैं आपसे आपसे क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि फीडबैक प्रोसेस के बाद हम फीडबैक डिलीवरी की तरफ चलते हैं। इफेक्टिव फीडबैक डिलीवरी हमने कैसे देनी है, इसमें सबसे मेन पॉइंट हमारा एक्टिव लिसनिंग का है अगर हम रिसीविंग एंड पे हैं, लेकिन अगर हम फीडबैक दे भी रहे हैं तब भी हम एक्टिव लिसनिंग को ही जारी रखेंगे। इसके ऊपर फर्दर जो है वो डिस्कशन आपसे मिस अक्सा करेंगी और फिर इंशाल्लाह मैं आपको ज्वाइन करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में।
जी, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग की। एक्टिव लिसनिंग के भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि एसन ने अपने जो है वो पॉइंट्स में डिस्कस किया कि जब हम फीडबैक रिसीव कर रहे हैं तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बिल्कुल उस तरफ होना चाहिए जिनसे हम फीडबैक सुन रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमने जो है वो एक्टिवली उस बात को सुनना है, ठीक है, और हमने बिल्कुल अटेम्प्ट हो के पूरी बात को सुनना है। जैसे कि लाइक अभी आप लोग ट्रेनिंग सुन रहे हैं और आप लोग बिल्कुल अटेंड हैं उस ट्रेनिंग को सुनने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि बाद में आप लोगों से सवाल भी होंगे उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लाइक अगर आपसे जो है जो स्पीकर है आपको बता रहा है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो आपने यस नो राइट, ठीक है, और ओके, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, इस तरीके से आपने उनको जो है वो रिप्लाई करना है, ठीक है। और इसके बाद यानी कि होता है कि बाज अवकात ऐसा होता है हमारे जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं, यानी वीआई तो इतने ज्यादा वो तो सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं या फिर मतलब मुस्कुराने के अलावा तो इतना ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं फेस के, जैसे लाइक वो मतलब उनके जो ना चेहरा रेड हो जाता है, गुस्सा आ रहा होता है या उनको, या उनके जो है वो माथे पे बल आ जाते हैं, या फिर जो है वो अक्सर अपने जो है वो होंठ काटने लगते हैं, तो इस तरह भी होता है। तो ये चीज आपने बिल्कुल अटेंटिवली सुनना है, फिलहाल आपने अपने कोई एक्सप्रेशंस नहीं देने होते, ठीक है। तो लाइक क्योंकि जैसे मतलब हम सुनने की बात कर रहे हैं तो सुनने में तो हमने जो है वो सिर्फ सुनना है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं कि हमने जो है वो फीडबैक किसी को अगर देना है तो वो किस तरीके से देना है, कुछ कुछ ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं उसमें जो है वो हमें फीडबैक देना होता है, और हमने ये भी देखना होता है कि भाई सामने वाला जिसको हम फीडबैक दे रहे हैं वो बहुत ही गुस्से में आया हुआ है और उसको अब हमने किस तरीके से करना है, ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने ये करना है कि जब स्पीकर अपना फीडबैक डिलीवर करने जा रहा है, देने जा रहा है, तो उस टाइम पे उसने पहले से अपने जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं उनको प्लान कर, यानी कि अपने फीडबैक को प्री प्लान करना है कि वो जो बंदा आएगा वो किस सिचुएशन में आएगा। एक माइंड तो होता है बंदे का, पहले से सोचता है कि भाई वो इस सिचुएशन में आ सकता है और मुझे इस सिचुएशन में उसको जवाब देना है। फिर आपने दूसरी चीज ये भी करनी है कि आपने उसके लिए टाइम सेट करना है, उसके लिए जगह सेट करनी है कि किस जगह पे आप उसे समझा सकते हैं, किस टाइम पे आप उसे समझा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि जैसे ही वो आया आप फौरन से उसको आपने बुला लिया कि जी भाई मुझे आपसे बात करनी है, और मुझे आपसे आप एक टाइम सेट करो और ताकि वो भी आपसे उस टाइम पे मीट कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि जो आपका फीडबैक है उसका एक प्रॉपर गोल सेट करना है कि जो आप बात करने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने बात करनी है, कोई और बात नहीं करनी है, ठीक है। फिर आप जब सामने वाले को फीडबैक दे रहे हो तो उसको वही एग्जाम्पल्स दो, मिसाल के तौर पे जिसके पास एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया का तो आप उसको सोशल मीडिया से रिलेटेड एग्जाम्पल्स दो, आप उसे जो है वो किसी और चीज के अगर एग्जाम्पल्स दोगे, यानी कि लाइक आप उसको टीचिंग के एग्जाम्पल्स दोगे तो उसे वो बात नहीं समझ आएगी कि आप उसको क्या कह रहे हो। अगर उसका ताल्लुक सोशल मीडिया से तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली ही एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है। उसके बाद आप अजान हो जाए, उसके बाद आपने बात को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।
ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एक्टिव लिसनिंग की बात कर रहे थे, और साथ ही साथ हम बात कर रहे थे कि जब स्पीकर फीडबैक दे रहा होता है तो सामने वाला जो रिसीव कर रहा है तो उसको किस सिचुएशन में रहना चाहिए, ठीक है, और जो फीडबैक दे रहे हैं वो उनको किस तरीके से जो है वो फीडबैक देना चाहिए, तो उसके ऊपर यानी कि जब आपको फीडबैक दिया जा रहा है, ठीक है, यानी आप जब सुन रहे हैं तो उस टाइम पे आपने ठीक है जी जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, मुझे समझ आ रही है, इस तरीके से आपने देना, ताकि सामने वाले को जो आपको फीडबैक दे रहा है उसे भी लगे कि आप उसकी तरफ मुतवज्जे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो आप मतलब अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है तो आप जो है वो मोबाइल यूज करने में लगे हुए हैं या उसकी बात को आप अनसुना कर रहे हैं, तो ऐसे आपने नहीं करना, ठीक है। इसके साथ साथ जो है जब आपने फीडबैक दे दिया है नेक्स्ट पर्सन को, तो आपने ये करना है कि उसके बाद एक फॉलो अप मीटिंग भी आपने रखनी है कि जो आपने उसको फीडबैक दिया है उसके बाद उसके अंदर वो एक बेहतरी आई है कि नहीं आई है, ठीक है ना। वो उसने जो चीजें आपने उसको बताई थी, जो पॉइंट्स उसने अपने अंदर इम्प्रूव करने थे, वो उसके बेटर हुए हैं या नहीं बेटर हुए, ठीक है। और इसके बाद अब एसन आप कंटिन्यू करें। अच्छा, बिफोर मैं मजीद आपको मजीद बताऊं, मैं चाहूंगा कि अगर आप में से किसी का एक्सपीरियंस रहा है फीडबैक लेने का या फीडबैक देने का, मतलब सॉरी, कोई ऐसा फीडबैक आपको मौसूल हुआ हो जिसके ऊपर आप ट्रिगर कर गए हो, या कोई आपके सामने इस तरीके से आप बंदा आया है नेगेटिव फीडबैक, अगर आपको एक्सपीरियंस है, या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का, या आपको कोई ऐसा बंदा मिला जिसके फीडबैक को सुनकर आप खुश हुए कि इसने जो है वो मेरे साथ एक सपोर्टिव रोल प्ले किया अपने फीडबैक के थ्रू, तो आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही? जी, मैं साहब की आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप लोगों का टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत मतलब यूजफुल रहे सबके लिए, एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो जिंदगी किसी भी शोबे से हो, और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एक मतलब ये के सेशन, मगर वो इसको भी पॉजिटिव लेंगे वो उनके लिए भी अच्छा है। अच्छा, मैं क्योंकि एचआर में होती हूँ तो मेरा फीडबैक से बड़ा गहरा ताल्लुक है, ठीक है। मुझे लोगों को फीडबैक देना भी होता है और मेरे पास फीडबैक्स आ भी रहे होते हैं, तो उसमें दोनों सूरतों में जो है मेरे लिए कभी कभी बड़ी टफ सिचुएशन होती है। एट टाइम्स जब मुझे कोई चीज़ पॉलिसी के हिसाब से लोगों को बतानी होती है, इम्प्लीमेंट करनी होती है, और वो थोड़ी सी पॉलिसीज आपको पता है रिजिड होती हैं, तो उस वक्त मुझे ये होता है कि ठीक है मुझे किस तरह ये बात कहनी है। आई नीड टू मेक माई माइंड, मुझे पूरी माइंड मैपिंग करनी होती है कि मुझे ये सेशन लेना है, मुझे ये चीज़ कम्युनिकेट करनी है, तो मैं पहले एंड रिजल्ट पे नज़र रखती हूँ। तो हमें खुद भी कोई बात करते हुए ना एंड रिजल्ट सोच लेना चाहिए कि हम ये बात कर रहे होंगे तो उसका फीडबैक क्या आ सकता है सामने वाले से। अगर हम ये थोड़ा सा सोच लें तो हम अपनी चीजों को खुद भी बेहतरी से करेंगे, और हमें सोचेंगे कि ठीक है हमें जैसे आपने कहा कि स्टार्ट ग्रीटिंग से या थोड़ा सा आपने एक बफर रखना होता है ताकि आप एक बंदे के साथ आपकी बात करते हुए एक रैपो डेवलप हो जाए, एंड देन यू स्टार्ट कि जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो आप कम्युनिकेट कर सको। तो हमेशा मुझे भी ये चीज अब एक आदत भी हो गई है, लेकिन आई हैव डेवलप दिस थिंग कि मुझे जब कोई चीज़ बात करनी होती है तो मैं सामने वाले की फीलिंग्स या उसकी, या एक जर्नली भी अगर एम्प्लॉई है तो उस लिहाज से मैं सोचती हूँ कि इस पे क्या क्या रिएक्शन उनका हो सकता है, तो मुझे बात कैसे करनी है ताकि मैं वो बात कम्युनिकेट भी कर दूँ, और वो पॉलिसी है तो वो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट भी होगी, उसमें हमें लोगों से ओपिनियन नहीं लेनी, हमें बताना भी है और लोग उसको अच्छे से सुन भी लें, मान भी लें और उसको एक्सेप्ट भी कर लें। तो आपको जब कोई भी बात करें हमें लोगों के खुद भी फीडबैक को जहन में सोचना चाहिए। इसी तरह मेरे पास भी जब लोग आते हैं, बाज़ दफ़ा किसी की फीलिंग्स हर्ट होती है या कुछ होता है, दे कम टू एचआर, वो अपना कभी कभी एचआर को अपना रिएक्शन भी अपना वो फीडबैक भी दे रहे होते हैं, कभी कभी दिल भी हल्का कर रहे होते हैं, तो उसमें भी सामने वाले को भी बड़ा कंपोज रहना होता है। वी हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। हम जब फीडबैक किसी का रिसीव भी कर रहे हों तो पहले हमें उसको सुनना चाहिए पूरा, ठीक है, ताकि वो अपना कह ले जो उसको कहना है, और फिर उसके बाद हम उसको सजेस्ट करें। तो ये दो तीन बातें जो कि मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो आई मैनेज दिस थिंग फॉर
क्वाइट इफेक्टिवली, आप लोगों को भी आइडिया होगा, वरना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाए, तो मैं इस चीज को मैनेज कर लेती हूँ। बिकॉज के बात करते में मैं पहले ही सोच लेती हूँ कि अगले का फीडबैक क्या होगा, तो मैं अपने वर्ड्स को, अपनी कॉन्वर्सेशन को उसके लिहाज से स्ट्रक्चर करती हूँ कि हाउ टू स्टार्ट एंड डिलीवर द मेन पॉइंट। और इसी तरह जब कोई मुझे दे रहा होता है तो मैं फिर उसके बात को सुनती हूँ, एकदम वही रिएक्ट नहीं करना होता। आप पहले उसको सुन लें, उसका दिल हल्का कर लें, फिर आप बता दें, उसको भी फीडबैक दे दें या जो भी चीज़ है। फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच मिस, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही वैलिड पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हैं, इन्हें हम फर्दर भी अपने डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि कोई अगर मजीद ऐड करना चाहे। अगर कुछ मजीद आपने नहीं कहना तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। जी जैसे कि मिस निगहत ने बात की कि एंड रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए हम फीडबैक्स को रिसीव करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है एंड रिजल्ट को ध्यान में रखना और किसी भी चीज को लेकर जजमेंटल हो जाना। यानी अगर आपने ये सोच लिया कि सामने वाले बंदे ने ऐसा ही रहना है या वो तो है ही ऐसा, समथिंग लाइक दैट, किसी भी सिचुएशन में आपने उसके पास एक्सपीरियंस के तहत उसकी प्रोफाइल पहले ही अपने जहन में रख ली है, तो आप उसे एक इफेक्टिव फीडबैक नहीं दे पाएंगे। इसी तरह अगर आपने ये सोचा है कि मैं इसे ये वाली बात समझाऊंगा और इस तरीके से समझाऊंगा तो इसे समझ में आ जाएगी अल्टीमेटली, तो एंड रिजल्ट इसको आप कह सकते हैं जहन में रखना। तो इस छोटे से पॉइंट को मैंने समझाना जरूरी समझा। बाकी थैंक यू सो मच मिस। और हम बात कर रहे थे एक्टिव लिसनिंग की, इसमें हम टेक्निक्स की बात कर रहे थे कि आपने चीज़ों को इस तरह सामने वाले को प्रिटेंड करना है कि आप उनकी बात बहुत गौर से सुन रहे हैं और इस नीयत से सुन रहे हैं कि आपने उस पर अमल करना है। तो इसके लिए आप एक तो कुछ पॉस्चर्स अक्सर ने बताए थे, जैसे हम मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुराकर उन्हें सुन सकते हैं, और साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे हाँ के इशारे से गर्दन हिलाते हैं, हम गर्दन हिला सकते हैं, या फिर कोई ऐसे इस तरीके से पोस्चर्स हम दे सकते हैं, हम स्ट्रेट बैठ सकते हैं, अपना जो आई कांटेक्ट, तो बीइंग अ वीआई पर्सन मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप जहाँ से आपको आवाज फील हो रही है आप उस तरफ सुनते हुए उस तरफ चेहरा रख सकते हैं, उस हाइट पर आपको अंदाजा हो जाता है कि यहाँ से आवाज आ रही है, तो उस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, आपका अपना जो पूरा पोस्चर्स है उस हिसाब से अपने आपको मेंटेन कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें एक्टिव लिसनिंग के अंदर ही, तो हम किसी की बात सुनते हैं तो हम कहते हैं कि भाई उसे हम पैराफ्रेज करते हैं शॉर्टर वर्जन में अगर हम बात करें, यानी सामने वाले की हमने बात सुनी, उसका जो हमें क्रक्स समझ में आया, जो समरी हमें समझ में आई, उसे हमने अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज करके सामने वाले से पूछ लिया कि आपने बिल्कुल ऐसे ही कहा है। अगर वो मजीद इलेबरेट करना चाहेगा तो वो इलेबरेट कर देगा और आपको मजीद क्लियर कर देगा आपकी जो सिचुएशन है उसको लेकर। ये तो बात हो गई एज रिसीवर। अगर आप कुछ ऐसे फीडबैक्स दे रहे हैं जो कि थोड़े से मतलब के बहुत डिफिकल्ट हैं, यानी कहीं ऐसे सिचुएशंस में हैं जो सामने वाले को ट्रिगर कर सकते हैं या सामने वाले को उसे उसके पेन पॉइंट्स कह लें, या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसमें डू एंड डाई का कोई सीन है, तो आपने जो है वहां पे क्या चीजें मैनेज करनी है। इसके लिए हम SBI मॉडल यूज करते हैं, सिचुएशन बिहेवियर इम्पैक्ट। यानी आपने देखना है कि सिचुएशन क्या है, सबसे पहले सिचुएशन को असेस करना है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट, जैसे एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए सिचुएशन ये होती है कि भाई आपने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी है जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ऐसी बात आ गई कि आप उसे अर्जेंटली सॉर्ट आउट करना है, या फिर आपकी तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक नहीं हुई है, उधर से कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है कि एम्प्लॉय कहता है कि भाई अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट, तो आपका एक रिसोर्स आपसे जा रहा है, तो ये भी एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई। ये हो गई प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में आप रिलेशनशिप बेस पे कर सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ में आप कर सकते हैं, टीचर स्टूडेंट का कोई क्लैश हो गया है, स्टूडेंट्स में आपका किसी CR के साथ या समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसी सिचुएशन बहरहाल बन गई है, या पेपर्स में आपको जो है वो आपने कोई बात की थी वो बात नहीं हो सकी और एंड टाइम पे आपने दोबारा से रिमाइंडर दिया है और फिर वो टाइम निकल गया, या प्रोसेस के अंदर टाइम जब आपका बर्न हो गया, तो उसमें फिर आपको पेपर्स में मुश्किलात हो सकती हैं। तो डिफिकल्ट फीडबैक की बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। बीइंग अ VI अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी जगहों पे हमें बहुत सारे ऐसे जो चैनल्स हैं जिनके थ्रू हमें गुजरना पड़ता है, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड चीजें तो होती हैं लेकिन समटाइम्स वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, तो जो हमारा हमें लगता है कि काम हमारा जल्दी हो जाना चाहिए वो नहीं हो पाता, तो ये हमारे लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। फिर हमें फीडबैक देना होता है, जो फीडबैक हम देते हैं वो सामने वाले के लिए एक डिफिकल्ट फीडबैक बन जाता है, बिकॉज उनकी तरफ से लैप्सेस आए थे जो हमने फेस किए, अब हम उन्हें फीडबैक दे रहे हैं, तो ये एक डिफिकल्ट फीडबैक है। इसके लिए दो तीन सिचुएशंस हो सकती है। पर्सनल अगर हम लें इस चीज को कि हम किसी इंडिविजुअल को
पर्सनली फीडबैक दे रहे हैं, तो हम इस तरीके से दे सकते हैं कि हम कोई राइट टाइम चूज कर सकते हैं जो कि हमारे लिए भी और उसके लिए भी कंफर्टेबल हो। किसी जैसे एक बंदा जॉब से आया है या बिल्कुल नया नया जॉब पे आया, हम जैसे डायरेक्ट हम ऑफिस आते हैं और हमारे सामने जो हेड है वो कहे जी कल आपने ये बंद कर दिया था, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, तो आप जो है वो क्योंकि अभी आए हो, आपने रिलैक्स नहीं किया, आपको जो इनिशियल 5 मिनट चाहिए होते हैं अपने आपको सेटल डाउन करने के लिए, वो आपने कुछ नहीं किया, तो आप एकदम से चूंकि आप सफर की थकावट से आ रहे हो, आप इमोशनली रिएक्ट करोगे रादर देन आप जो है वो रैशनली रिएक्ट करो। दूसरा, अगर हम बात करें कि बिहेवियर, आप फीडबैक देने वाले को अंदाजा होना चाहिए कि सामने वाले का बिहेवियर मेरे साथ कैसा रहा है, वो अंदाजा हो जाता है। अगर अंदाजा नहीं भी होता तो ड्यूरिंग कन्वर्सेशन भी आपको अंदाजा हो जाता है, आपने जब कन्वर्सेशन को इनिशिएट किया है, आपने जिस तरीके से सलाम दुआ की है, सामने वाले का रिस्पॉन्स आपको बता देगा कि उनका बिहेवियर आपके साथ रूड है या वो आपकी बात सुनना भी चाह रहे हैं या नहीं सुनना चाह रहे हैं, या सुनना चाह रहे हैं इस वक्त नहीं सुनना चाह रहे, तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। प्लेस बहुत मैटर करती है, आप किस जगह पर बिठाकर उन्हें फीडबैक दे रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। और जैसे कि सूदिंग एनवायरनमेंट है तो इसका मौसम का कहते हैं कि आप इंसान की तबीयत पर बहुत असर पड़ता है, जगह का इंसान की तबीयत पर बहुत असर पड़ता है, तो आपने इन सिचुएशंस को भी जहन में रखना है कि आप जब इस मॉडल को यूज करेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा। फिर अल्टीमेटली वही मिसनेगत की बात कि एंड रिजल्ट आपने जहन में रखना है, यानी आपने इम्पैक्ट को जहन में रखना है कि इम्पैक्ट क्या आएगा इस पूरी कन्वर्सेशन का, इस पूरे जो मैं टाइम ले रहा हूँ, ये जो आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, इन सब चीजों का आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या आएगा। अगर इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये सब चीजें क्यों करते हैं कि कोई इम्पैक्ट आए, सामने वाले को हम फीडबैक आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए, तो हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं। जी अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? थैंक यू सो मच सर। हाँ, और कंटिन्यू ओके सर, सॉरी ये टेक्निकल इंटरप्शंस तो होती रहती हैं। बहरहाल जी, अपने फीडबैक को आगे लेकर चलते हैं कि हम फीडबैक के प्रोसेस के ऊपर आ गए थे, हम जो डिफिकल्ट फीडबैक है उसको मैनेज किस तरीके से करना है हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो सिचुएशंस को हमने डिस्कस कर लिया, बिहेवियर्स को हमने डिस्कस कर लिया, हम इम्पैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर आपका मकसद इम्पैक्ट नहीं है, ना आपने रिसीविंग एंड पर होते हुए ना आपने गिविंग एंड पर होते हुए, तो उस फीडबैक की कन्वर्जेशन का और उस पूरे इन्वायरमेंट को बनाने का सजाने का कोई फायदा नहीं है। आपने अगर किसी चीज को इसलिए अटेंड करना है कि बस ठीक है हो रहा है गो विद द फ्लो वाला सीन है, तो उसमें फिर कोई फायदा नहीं है। आपने इस नियत के साथ बैठना है,
इस इंटेंट के साथ बैठना है कि सामने वाला मुझे जो है वो अगर कोई चीज बता रहा है, तो अगर 10 चीजें गलत भी बता रहा है तो आपने उसमें से अपने फायदे की चीज ढूंढनी है या खुद उसे उस फायदे की तरफ लेके जाना है, अगर आपका माइंडसेट आपको लेके जाने की इजाजत दे रहा है। वो तब देगा जब आप उस चीज को बहुत ओपनली सुनेंगे और रिजिलियंट होके सुनेंगे, जजमेंटल नहीं होंगे, सामने वाले पे गुस्सा करने की कोशिश नहीं करेंगे, रद्दअमल देने की ख्वाहिश से नहीं बैठेंगे कि इसने मुझे जवाब दिया है मैं काउंटर पंच करूंगा या मैं जो वो कम बैक करूंगा, समथिंग लाइक दैट, इस मेंटेलिटी के साथ नहीं बैठ रहे, तो फिर वो कन्वर्सेशन आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेगी और इम्पैक्टफुल भी रहेगी। तो सिचुएशन बिहेवियर मॉडल को हम अभी एक्सरसाइज के थ्रू भी आपको समझाएंगे, हम एक्टिविटी करेंगे लास्ट में, तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। फिर इसमें जिस तरीके से बात की मैंने भी, तो इसमें हमारे पास सैंडविच टेक्निक आती है कि हमने जो है वो स्टार्ट में पहले जो हमारे पास उनका डेटा है उसको देखते हुए जो उनकी पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें हाईलाइट करना है। यानी अगर किसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए 3 साल हो गए, या आपको किसी शख्स के साथ आपका जो पाला पड़ा है, जो साथ है, वो कुछ टाइम उसको गुजर गया है, तो उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हुई होंगी। अगर नहीं होंगी, हुई होंगी, तो आपने तलाश करनी है, आपने उन पॉजिटिव चीजों को लेकर आगे बढ़ना है और बताना है उन्हें कि भाई आपकी ये चीज बहुत अच्छी लगी, इस चीज पर बहुत अच्छा रिएक्शन आया, इस चीज को आपके साथ वालों ने भी बहुत पसंद किया। लेकिन अगर ये वाली चीजें भी अच्छी हो जाएं और इस चीज को देख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे एक हदीस याद आई, एक वाकया था कि मदीना के एक सहाबी थे, अंसारी सहाबी, यंगस्टर थे, तो लंबे लंबे बाल रखना और इस तरह की जो चीजें होती थी उस वक्त, तो वो रखा करते थे, जो टखनों से नीचे उनकी शलवार होती थी। तो ये एक वो एक्टिविटीज थी जो कि एक यंगस्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक थोड़े से जैसे इंसान स्टाइलिश बनने की या फैशनेबल बनने की कोशिश करता है, तो उस तरीके से। तो आप सल्लल्लाहु जब वो महफिल से उठ के गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनका नाम लिया कि ये बहुत अच्छे हैं, अगर ये चीजें कम कर दें, मतलब कि जैसे बाल छोटे करवा लें और इस तरीके से, तो उन्हें ये फीडबैक देने का अंदाज था कि उनकी फलान चीज बाकी चीजें सब बहुत अच्छी हैं, अगर ये एक दो चीजें जो पॉइंट आउट की गई वो अगर वो ठीक कर लें। तो सहाबा किराम दौड़े दौड़े गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पास कर दिया है, यानी आपकी सारी चीजें मंजूर हैं, एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर राजी हैं, आप बस वो कहते हैं कि अगर ये चीजें अच्छी कर लें तो और अच्छा हो जाएगा। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि आपकी बाकी सारी चीजें ठीक है, कायनात की सबसे बड़ी हस्ती के आगे आपकी सारी चीजें ठीक है, आप सिर्फ ये दो एक चीजें, तो उनके लिए ये सेक्रीफाइस करना बहुत आसान हो गया कि बाकी सारी चीजें तो मेरी ठीक है, ये ठीक हो जाएंगी, तो मतलब और अच्छा हो जाएगा, तो गुड प्लस गुड इज इक्वल्स टू परफेक्ट वाला सीन हो गया। तो ये उनके लिए बहुत आसान हो गया उस फीडबैक को एब्जॉर्व करना और उस पर अमल करना। फिर सहाबा किराम कहते हैं कि उन्हें हमने मरते दम तक दोबारा इस तरह की कोई चीज करते हुए नहीं देखा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीजें पॉइंट आउट की। यानी एकदम, हालांकि जो चीजें हैबिचुअल होती हैं, जो चीजें आपकी आदत बनी होती हैं, उन्हें छोड़ना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन जब आपको कोई समझाने वाला इस तरीके से समझाए और उसे आप वैल्यू करते हो, तो फिर वो चीजें छोड़ना ज्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए आपने सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए सपोर्टिव रोल में रहते हुए सामने वाले को फीडबैक देना है जब आप डिफिकल्ट फीडबैक दे रहे हो, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट फीडबैक है, हमें आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि हम सुन रहे हैं, हम उस सिचुएशन में नहीं है, हमारे हमारे हम इसे रिलेट करें कि हमारे अंदर कोई ऐसी आदत हो जिससे सामने वाले थोड़ा सा इरिटेट होते हो या सोसाइटी से हट के हो, लेकिन वो आदत बहुत पुख्ता हुई भी हो। तो अगर कोई हमें समझाएगा तो हमें बहुत मुश्किल होगा उस चीज को छोड़ना, लेकिन हम उसे छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो SBI मॉडल को यूज कर सकते हैं, हमने सामने वाले की जो है वो राइट प्लेस देख ली, राइट टाइम देख लिया, जो उनके लिए मोस्ट कंफर्टेबल टाइम है, प्राइम टाइम है, उसे हमने फोकस कर लिया। तो इससे आपकी जो इफेक्टिवनेस है ना, जो आपने फीडबैक जो डिफिकल्ट है उसको मैनेज करने की, वो मजीद बढ़ जाएगी। फिर इसमें हम बात करें कि वही जो मैंने बात की थी कि हमने जजमेंटल नहीं होना, जजमेंटल नहीं होना, सामने वाले को सोल्यूशंस देने हैं, हमने सोचना है कि ठीक है जो कह रहे हैं बेहतर कह रहे हैं, और इसके अलावा हमने जो आगे चल के बात करनी है वो फीडबैक कल्चर की बात करनी है। फीडबैक कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस के अलावा किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज अगर हम एक दूसरे की सलाह नहीं कर रहे, एक दूसरे को नहीं समझा रहे, एक दूसरे की बात नहीं समझने की कोशिश कर रहे, या इतनी वैल्यू किसी को नहीं दे रहे, किसी की बात को नहीं दे रहे कि सामने वाले की जो बात है वो आपके लिए मैटर करे, तो मेरे ख्याल से फिर आप लोगों का एक साथ आगे बढ़ना या कलेक्टिवली किसी चीज को अडॉप्ट करते हुए आगे लेकर चलना या कोई चेंज क्रिएट करना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें ये देखना है, बीइंग अ मैं अगर बात करूं कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का जो ग्रुप है, या बीइंग अगर मैं बात करूं नई सुबह का जो हम एक स्टाफ है, कलेक्टिव इंक्लूसिव स्टाफ माशाल्लाह से, या फिर अगर हम बात करें
आपकी जो ऑनलाइन कम्युनिटीज होती हैं, फेसबुक ग्रुप्स वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह, जहाँ पे आप किसी मकसद के तहत ऐड हुए होते हो, चिट चैट का मकसद भी है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर किसी किसी मकसद से वो ग्रुप बनाया गया किसी काम को करने के लिए, तो वो काम करने का एक मकसद होगा, उसका इम्पैक्ट डालना आपका एक मकसद होगा, सोसाइटी में चेंज लाना मकसद होगा किसी एक एंगल से। तो इसमें आप अगर एक मकसद से ऐड हुए हैं, उसमें आप फीडबैक नहीं दे रहे, आपने ऐड हो गए, आपने बस चीजें आ रही हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई काम हो रहा है, कर रहे हैं, खत्म बात, आप अपना फीडबैक नहीं दे रहे, तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। एक और एक 11 की ताकत हम सबको पता है, हम सबने बहुत सुनी है, तो एक और एक 11 की ताकत भी तब होती है जब वो एक दोनों मिलते हैं, यानी फीडबैक आता है। तो जब फीडबैक नहीं आ रहा, एक दूसरे की सलाह नहीं हो रही, एक दूसरे की करेक्शन नहीं हो रही, एक दूसरे को मोटिवेट नहीं किया जा रहा, थपकी नहीं दी जा रही, सपोर्ट नहीं की जा रही, तो ये चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। और अगर दो बंदे हैं या स्टाफ है या ऐसे लोग हैं जो एक साथ काम करें, टीम मेंबर्स हैं, तो किसी एक की मिस्टेक भी जो है ना वो बहुत आसानी से ठीक हो जाती है, क्योंकि सामने वाले के साथ आपको पता है कि आपका ऐसा रिलेशन है कि आपकी तरफ से कोई मिस्टेक होती है तो आपकी टीम आपको करेक्ट कर देगी, आपको बता देगी कि देखो ये चीज देख लो, ये इस तरह हुई भी है, आप जाके चेक करोगे उसको, क्रॉस चेक करने के बाद आपको लगेगा ठीक है मुझसे मिस्टेक हो गई, आप उसको ठीक कर लोगे, बात खत्म हो जाएगी। अगर वही चीज आपकी हाईलाइट कर दी जाए और आप जो है वो उसे आगे से आगे लेके चलते जाएं, तो ये चीजें फिर आपकी राह में रुकावट बन जाती हैं, एक ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम फीडबैक कल्चर को अडॉप्ट करें, तो उसके लिए भी हमारे पास यही टेक्निक्स हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं अपवर्ड, जो फीडबैक एक टाइप है अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, एक सॉलिसिटेड है, एक अनसॉलिसिटेड है। इसमें हम देखते हैं कि जो अपवर्ड है, यानी हम अपने सुपीरियर्स को, जो कि हायरार्की में हमसे सुपीरियर्स हैं, उन्हें हम जो है वो फीडबैक दे रहे होते हैं। तो इसमें दो तीन चीजें हमने एक मलहूज खातिर रखने की बात है कि एक तो बुजुर्गों का एहतराम, हम सबको पता है बचपन से हमारी तरबियत का हिस्सा है कि हमने बुजुर्गों का एहतराम करना है, यानी किसी बड़े को अगर उससे मिस्टेक हो भी गई है प्रोफेशनली, हम सबको पता है कि इंसान जो है वो एरर्स के साथ ही चलता है आगे, तो अगर उनसे मिस्टेक हो भी गई है तो उन्हें बहुत लाइट वे में, ताकि उनकी सेल्फ स्टीम भी हर्ट ना हो, बिकॉज जब उन्हें कोई छोटा बंदा जो उम्र में उनसे छोटा है या डेजिग्नेशन में कहीं ना कहीं छोटा है, जाहिर सी बात है जो बंदा डेजिग्नेशन में आपसे ऊपर है यकीनन उसकी कैपेबिलिटीज आपसे बहुत ज्यादा होंगी, उसका एक्सपोजर आपसे बहुत ज्यादा होगा, इसी वजह से उसे वो डिजर्विंग पोस्ट मिली हुई है, तो आपने उस चीज को लिहाज में रखते हुए आपने बात करनी है, ऐसा नहीं है कि आपने उनकी चीज हाईलाइट कर देनी है। बाकी ऊपर जो जितनी टेक्निक्स डिस्कस की गई हैं, जो आपको मॉडल्स बताए गए हैं, उन सब चीजों को जहन में रखते हुए आपने एहतराम के पहलू को यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, यानी जो फ्लेवर ऑफ रिस्पेक्ट है उसे बढ़ा देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो फीडबैक कल्चर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम डाउनवर्ड फीडबैक की बात करें, तो यहाँ भी जो शफकत का पहलू है या जो समझाने का पहलू है, जो पोलाइटनेस है, वो यहाँ भी बरकरार रहनी चाहिए, यानी अगर हमारे जो सुपीरियर्स हैं या जो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या घर पे अगर हम वालदैन की बात करें, तो अगर बच्चों को कोई बात प्यार से नहीं समझाई जा रही तो मेरे ख्याल से वो समझ आने वाली नहीं है। तो एक तो आपने लर्निंग स्टाइल्स देख लेने सामने वाले, क्योंकि अगला बंदा सीखता कैसे है, समझता कैसे है, यानी अगर कोई बंदा खेल खेल में बात को समझना चाहता है, यानी किसी स्टोरी के थ्रू बात समझना चाहता है, या फिर किसी जगह जाकर आप उसे बात समझा सकते हैं, यानी कहीं घूमने चले गए वहां बात समझती समझाती, वहां बात बताती बातों बातों में, या किसी कहीं खाने की टेबल पे कोई बात होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उसके नजदीक, तो उस तरह बता दी। एक तो आपने लर्निंग स्टाइल्स को सबसे पहले मेजर करना है, हर किसी का लर्निंग स्टाइल अलग हो सकता है, किसी को बात बहुत इमोशनल होकर समझ में आती है, किसी को बात हकीकत पसंद आना तरीके से समझ में आती है, यानी मुझे टू द पॉइंट बात बताएं और दैट्स इट, और किसी को बात जो है वो थोड़ी सी गुस्से से समझ में आती है, यानी आपने स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करवानी है वो बात, वरना वो फॉलो नहीं करेगा। तो सब किसी सबके जो लर्निंग स्टाइल्स है उन्हें फोकस में रखते हुए आपने अपना फीडबैक कल्चर क्रिएट करना है, और ये क्रिएट करने से होगा। हम घर पे अक्सर बात करते हैं कि हमारे यहाँ जनरेशन गैप्स जो बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह भी यही है कि हमारे यहाँ फीडबैक कल्चर घरों में भी नहीं है। हमने फैमिलीज में देखा है कि जब से मोबाइल आए हैं माशाल्लाह, हर किसी के पास अपना मोबाइल है, हर कोई अपनी डिस्कशन करता है और हर कोई अपनी बात करता है, कोई किसी की बात सुनता नहीं है और कोई किसी से बात करता नहीं है, हर किसी के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हर किसी की अपनी जो है वो एक अलग दुनिया बना ली है सबने, एक वर्चुअल वर्ल्ड में हर कोई जी रहा है। अगर आप खाने के टेबल पर आकर 24 घंटे में आपको सिर्फ चंद मिनट निकालने हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आप निकाल सकें, उसे फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएं, वो प्रोडक्टिव कन्वर्जेशन आपको जितना हील अप करेगी, मेरे ख्याल से बाकी चीजें आपको नहीं कर रही हूँ। तो अगर खाने के टेबल पर आप बैठे हैं, खाना खाते खाते आपने कुछ पॉइंट्स आप बाबा से पूछ लें, कैसी आपकी रूटीन रही आज की, कुछ नया हुआ, कुछ पुराना हुआ, हम अपने घर पे फलां चीज करते हैं, हम अपने जो है वो गार्डन को कुछ उसमें अच्छी चीजें लेकर आते हैं,
हम अपने रूम्स में कुछ अच्छा लेकर आते हैं, फलां सीजन आ रहा है, ईद आ रही है, 14 अगस्त आ रही है, कुछ नया करते हैं, कहीं किसी फैमिली में जाते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज प्लान करते हैं। अब वो ये सब कुछ तब होगा जब आप अपनी आइडियाज को सामने रखेंगे। उसके लिए आपको एक ओपन कन्वर्सेशन का माहौल बनाना पड़ेगा अपने घरों में। सेम गोज विद हमारी ऑर्गेनाइजेशन या इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्सेशन की अगर हम बात करें, कि अगर लेट्स सपोज किसी एक डिपार्टमेंट का काम है और किसी दूसरे बंदे को जो कि आउट ऑफ द डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट, उसके जहन में कोई उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आइडिया आया है, अब जाहिर सी बात है मैं खुद तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, तो अगर फीडबैक कल्चर होगा तो वो जाके बोलेगा कि मैं चाहता हूँ कि अगर ये चीज यूं हो जाए तो कैसा रहेगा। अगर वो आइडिया क्लिक हो गया, गुड इनफ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो ये एक जो कल्चर है, ये हमें मजीद आइडियाज को गैदर करने के साथ साथ उन आइडियाज के इम्प्लीमेंटेशन में भी हमारे लिए, जाहिर सी बात है अगर मेरा आइडिया है और वो आइडिया ऐसी टीम के लिए, ऐसे डिपार्टमेंट के लिए है जो कि मेरे कंसर्न में या मेरे मेरे जेडीज में नहीं आता, तो अगर मुझे कहा जाएगा ठीक है भाई आपका आइडिया बहुत अच्छा है, हमें क्लिक किया है, हम इसे जब वो इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जाते हैं, तो उसके प्रोसेस में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरे आइडिया को, मेरे बीज को पौधा बनाने की बात हो रही है, मेरे बीज पर दरख्त लगाने की बात हो रही है, तो मैं उस आइडिया पर भी, उसकी देखभाल में भी, उस प्रोसेस में भी हिस्सा बनने की कोशिश करूंगा, और अल्टीमेटली उस उसकी जो इम्पैक्ट है उसके लिए भी उसे ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने की एक क्रिएटिव जो प्रोडक्टिव कोशिश होती है वो मैं कर सकूंगा। तो फीडबैक कल्चर हमारे दरमियान होना चाहिए। हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ में, हम सोशल लाइफ में बात करें, फ्रेंड्स की, और हम जो है वो अगर इस तरह बात करें पर्सनल लाइफ में, वो एक शेर भी है ना, हमारा मसला ये है मजाक किससे करें, पुराना दोस्त भी अब एहतराम मांगता है। यानी हर किसी को अगर अपनी सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी प्रोफाइल ही बीच में रखनी है तो बात कैसे होगी। अगर सबको पता है कि मैं जो वो बहुत ज्यादा डिग्रीज मेरे पास हैं या बहुत कुछ मेरे पास है और सामने वाला मेरा दोस्त ही तो है, अगर दोस्ती का रिश्ता रखना है तो फिर प्रोफाइल्स को बीच में रखना क्या। अगर घर पे आप हैं, एक भाई डॉक्टर है, एक भाई इंजीनियर है, और इस तरह की हमारी एक वो सूरत हाल है, तो कैसे होगा ये सब। तो हम लोगों को एक कल्चर क्रिएट करने के लिए हमें इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं और इन सब चीज़ों का एहतराम भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी की सेल्फ स्टीम को हर्ट करने के लिए बात की जाती है। बात करने का मकसद भी यही होता है कि सामने वाला भी अपने आप को हल्का करे, आप भी उसकी बात के जवाब में बात करेंगे तो आप भी अपने आप को हल्का करेंगे। मैं सबसे ज़्यादा अगर कुछ मजीद ऐड करें तो उसके बाद फिर हम जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं। लेट्स सी, मैं सबसे ज़्यादा ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एसन। वैसे तो मुझे अब बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने काफी सारा बोल दिया है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफी देर से खामोश हैं और मुझे पता है कि जब मैं इतना ज्यादा बोलती हूँ तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है तो वो भी इतनी देर तक उनको चुप कराना मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि उनसे ज्यादती है। तो मैं चाहूंगी कि आप सबके जो जो सवालात हैं वो आप लोग प्लीज कर लें ताकि हम उनके भी जवाब आते हैं और फिर एंड इंशाल्लाह हम एक्टिविटीज को भी करेंगे तो आप लोग को और अच्छे से भी इन एक्टिविटीज से समझ आ जाएगा। तो पहले आप लोग अपने सवालात करें ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भूल जाएं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब है और एक मासूमाना सवाल था फीडबैक से मुतल्लिक। मेरा सवाल ये था कि भाई इंडिविजुअली तो मुझे समझ आ गई चीज़ें, अब कुछ होती हैं जैसे हुक्मरानों की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदा फीडबैक दे रहा होता है तो वो सम टाइम फीडबैक नहीं सुना जा रहा होता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। इसी तरह जैसे क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वहां पे भी चीज़ें वैसी नहीं हो रही होती तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। जैसे कल पाकिस्तान मैच आ रहा है तो इस वक्त शदीद कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लोग दे रहे हैं, लेकिन कोई यानी उस पर काम नहीं होता। जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है तो फिर उस सूरत में किस तरह फीडबैक दे, यानी कहने का मकसद। साकिब बिल्कुल इसी तरीके से, और ये साफ नजर आई जो फ्रस्ट्रेशन है, बिल्कुल यही बात करने की मैंने कोशिश भी की थी कि अगर फीडबैक कल्चर हो, फीडबैक कल्चर का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ से, यानी अगर हम चले जाएं दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स में, आपकी एग्जांपल को लेके चलते हैं, तो अगर हम इंग्लैंड चलते हैं तो वहाँ पॉडकास्ट होती हैं ऑफिशियल्स के साथ, वहाँ डिबेट्स होती हैं, हेल्दी डिबेट्स होती हैं। अगर हम अमेरिका चलें तो वहाँ इलेक्शंस में, यानी पॉलिटिकल लेवल पे इस तरह की डिबेट्स होती हैं कि एक डिबेट से जो उनका पोलिंग सर्वे है वो
360 डिग्री एंगल से चेंज हो जाता है। यानी एक डिबेट से पहले किसी के हक में जो है वो ज्यादा लोग होते हैं, और दूसरे जो है आपका जो इनकी डिबेट्स होती हैं उसमें जो है बहुत ज्यादा लोग उस तरफ चले जाते हैं। तो अगर कल्चर इस तरफ भी डेवलप्ड होगा, और वो ऐसे हम से ही होगा, मतलब जो पाकिस्तान की यूथ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, जो इस तरह की ट्रेनिंग्स को, इस तरह की वर्कशॉप्स को, सेल्फ हेल्प के जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, वही ये सारा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाते हैं। अच्छा, कुछ इस तरह होता है, अगर हम फॉर्मल फीडबैक्स की बात करें, जो आपने कहा कि हम गवर्नमेंट लेवल पे फीडबैक देना चाहते हैं लेकिन वो सुना नहीं जाता, तो जो फॉर्मल फीडबैक्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी हमें एक प्रॉपर चैनल ढूंढना पड़ता है पहले कि हम हमारा किस तरीके से फीडबैक सुना जाएगा। मैंने बहुत दफा ऐसा देखा है कि हमारे यहाँ जैसे हम एहतजाज की तरफ आ गए या फिर हमने गुस्सा की तरफ आ गए, उससे बेहतर अगर हम प्रॉपर चैनल्स को जो है वो यूज करें और अपना फीडबैक दें और फॉलो अप्स लेते रहें, तो हमारा काम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो भी जाता है। अगर छोटा मोटा काम है, अगर कोई हाई लेवल का काम है उसके लिए जाहिर सी बात है फिर हमें कलेक्टिव एफर्ट करनी होती है, और कलेक्टिव एफर्ट का मकसद ये नहीं होता कि रोड ब्लॉक्स कर दिए और समथिंग लाइक दैट, ये कहीं भी नहीं होता, ये हमारे यहाँ पता नहीं क्यों होता है। और जब हम इस तरह आते हैं तो फिर आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी सामने से जाहिर सी बात है उनकी भी हमारी सोसाइटी में से उठ के ही हुक्मरान गए, तो रिएक्शनरी साइकोलॉजी उनकी भी है, वो भी सामने से रिएक्शन देते हैं कि अगर ये जिद पे आ गए तो हम भी जिद पे आ जाते हैं, इससे काम नहीं होता, काम रुक जाता है। तो आपको पहिया जाम हड़ताल करने की, रोड ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, आपको जो है वो जैसे पहले होता था कि बल्ले जो है वो बहुत सारे जमा किए और उनका जनाजा एक तरह से निकाल रहे होते हैं कि पाकिस्तान हार गया, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग, हम लोग, तमाम लोग कोशिश ये करें कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें और लोगों को समझाने की कोशिश करें कि जैसे क्रिकेट मैच की हम बात करें तो उसके बाद सोशल मीडिया पे एक तरह से तूफान बदतमीजी बर्पा हो जाता है, मतलब किसी का कुछ भी कहीं भी बोल दो तो जिसका जो दिल कर रहा है वो कह रहा है। मैं समझता हूँ कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, कुछ भी हो, वो आपको नहीं रोक सकती अगर आप खुद से सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं करना जानते, अगर आप अपनी तरबियत को खुद मलहूज नहीं रखना चाहते, मलहूज खातिर नहीं रखना चाहते, तो आपको कोई भी नहीं समझा सकता। तो अगर आप लोगों को पता है कि ये चीज यूं ठीक हो सकती है तो फायदा नहीं है ना। अब फेसबुक पर बाबर आजम मेरी बात नहीं सुन रहा तो क्यों मैं बाबर आजम के खिलाफ पैराग्राफ से पैराग्राफ लिखता जाऊँ? तो अगर मुझे उन तक अपनी बात पहुंचानी है तो मुझे प्रॉपर चैनल्स देखने पड़ेंगे, या तो मुझे अपनी बात उन तक पहुंचानी ही नहीं है, मैं सिर्फ गुस्सा निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे उसके उस गुस्से को बहुत ज्यादा जो है वो पर्सनल नहीं होना, बल्कि मुझे रिसर्च बेस्ड गुस्सा करना चाहिए, यानी इतने जो है वो मैचेस में ये बंदा फेल हुआ है, अब इसके लिए हमें कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना है, ऑल्टरनेटिव ये मौजूद है, इसे खिला नहीं रहे, ये एक बात है करने की, जिसे अहमियत भी दी जाएगी, इसे सुना भी जाएगा। पाकिस्तान में अब की यूथ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है कि हम लोग इंटरटेनमेंट कॉन्टेंट से ज्यादा जो कंटेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड है या सेल्फ हेल्प बेस्ड है इसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिसे हमें ज्यादा इंकरेज करना चाहिए। जी, मजीद कोई पाकिस्तान इंडिया से हटकर यहाँ पर भी आपसे फीडबैक ही मांग रहे हैं, जो प्रेजेंटर हैं लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं, क्यों नहीं फीडबैक दे रहे हैं अब तक जितनी जितनी बातें हुई उस पर। सवाल ना आने पर दो तरह की चीजें होती हैं, या तो बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई या फिर अच्छा चलिए हम एक्टिविटीज़ की तरफ आते हैं, हम SBI मॉडल के थ्रू हम एक्टिविटीज़ करते हैं। आप में से कोई इस एक्टिविटी के लिए अपने आप को वॉलंटियर करना चाहे, यानी हम आप आपके सामने सिचुएशन रखेंगे और सिर्फ आपसे पूछेंगे कि आप इस सूरत हाल में किस तरीके से सामने वाले को समझाएंगे, आपने बस एक तरीके से डेमो फीडबैक देना है। तलहा हाजिर है हमारे साथ, हम तलहा से ही ये एक्टिविटी कर लेते हैं। मीनवाइल जब तलहा से ये एक्टिविटी जा रही हो, अगर कोई और करना चाहे तो वो भी बता सकता है।
जीतल, हाँ हम लोग जो है वो SBI मॉडल को डिस्कस कर चुके हैं, यानी सिचुएशन बिहेवियर इम्पैक्ट। आपने सामने वाले को वो फीडबैक देना है कि उसकी इस्लाह भी हो जाए और इसके साथ साथ आपकी बात भी समझ जाए। तो हमारे सामने एक सिचुएशन है, आपके सामने जैसे अभी आपको मालूम है सख्त गर्मी का मौसम है, एक बंदा जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी से, जैसे आप अगर गर्मी से घर जा रहे हैं और घर पर आपको कुछ मसाइल सुनने को मिलते हैं, यानी फौरन से एक ट्रिगर होने वाली सिचुएशन है, ठीक है, तो आप वहां कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे सामने वाले को काम डाउन करने के लिए, और अपनी सिचुएशन आपके सामने है कि आप बहुत ज्यादा गर्मी से वहां पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन। अच्छा, इस सिचुएशन में तो जाहिर सी बात है, हम जब ये देख रहे हैं कि हमारे लिए मौसम गर्म है और हमें गर्मी लग रही है, हम सफ़र करके पहुँचे हैं अपने घर पे, तो घर वाले किस चीज़ को फेस करते रहे हैं जो हमें आगे से दरवाज़ा खुलते ही कुछ बड़ा है या कुछ सुनने को मिली है। तो इसको अगर सोचते हुए, ये भी अगर हमारे जहन में होगा कि जैसे जो चीज़ अगर सबके साथ है, सब पूरी दुनिया उसको फेस कर रही है या पूरा मुल्क पूरा शहर किसी चीज़ को फेस कर रहा है, अगर मेरे साथ उस चीज़ का नेगेटिव असर हो रहा है तो यकीनन दूसरे वाले पर भी हो रहा होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर हम चीज़ों को हैंडल करें तो ये बहुत आसानी से हैंडल हो जाएंगी। हमें लगता है कि यार ये मसला हल नहीं हुआ या मेरे मसले हल नहीं हो रहे, तो सामने वाले के भी मसले हल नहीं हो रहे, तो मिलकर ही काम किया जा सकता है। टीम वर्क मेरे ख्याल से इसके अंदर ज्यादा बेहतर है और ये हर जगह पर ही काम आती है, आपका घर हो, फ्रेंड ग्रुप हो या आपकी वर्क प्लेस हो, सब जगह पर जो है वो टीम वर्क जो है वो ज्यादा बेहतर चीज होती है। बहुत शुक्रिया दिलहा, बहुत जबरदस्त। इसको कहते हैं एम्पथेटिक अप्रोच, यानी आप एम्पथी के साथ जा रहे हैं कि अगर मैं घर पहुंच रहा हूँ, लेट सपोज घर पे लाइट नहीं है, नहीं, तो एम्पैथी नहीं, मेरे ख्याल के ये रियलिटी है। अगर हाँ इफेक्ट को देखें कि हम, अगर मुझे ये चीज सामने से देखनी पड़ रही है तो दूसरे वाले को भी तो देखनी पड़ सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप सामने वाले की को भी अपने सेंसर से देख रहे हैं, तो इसमें यही है कि आपको ये सिचुएशन हैंडल करना ज्यादा आसान हो जाएगी जब आपको ये आइडिया होगा कि मेरे घर पे घर वाले उसी गर्मी से गुजर रहे हैं जिस गर्मी में मैं गुजर रहा हूँ, मैं बाहर हूँ और घर पे भी लाइट नहीं है, तो दोनों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो दोनों मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एक आसान हल हो जाएगा दोनों बाकी मिलके लोगों के हिम्मत लिए। फैन, मैं उनको हवा दूं वो हाँ मुझे हवा दें। बिल्कुल, एक और एक 11 हो जाएगा। तो अगर मजीद कोई अपने आप को एक्टिविटी के लिए पेश करना चाहे, इससे होगा कि हमें सिचुएशन बेस्ड जो फीडबैक है या सिचुएशन बेस्ड जो सिचुएशंस को हैंडल करने की जरूरत है। अच्छा, लेकिन ना ऐसा, यहाँ मेरा एक सवाल आ रहा है। हाँ जी पहले जी तो आप लोग का माशाल्लाह सेशन बहुत अच्छा था, उसमें सवाल की तो गुंजाइश नहीं बन रही थी, लेकिन इस सिचुएशन में अगर ये सिचुएशन उलट हो जाए, मैंने तो अपना ये आइडिया दिया कि दोनों चीजों को हमें समझना चाहिए कि अगर हम गर्मी फेस कर रहे हैं तो सामने वाला भी कर रहा है, लेकिन अगर दूसरा ना समझ रहा हो और दूसरा वाला आप पे चढ़ाई किए जा रहा हो, आपसे सवाल पूछना चाह रहा है कि भाई ये क्यों हुआ है, ये कैसे हुआ है, आपने ये काम नहीं किया, या आपकी वजह से ये चीज यहाँ खराब हो गई है, फला चीज फला, और इस चीज को हम तो कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सामने से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इसको कैसे फिर हैंडल करें, क्योंकि बंदे का एक लिमिट होती है बर्दाश्त की, उसके बाद तो जाहिर सी बात है फीडबैक क्या, फिर उसके बाद तो भड़ास निकलती है, तो फिर क्या हो सकता है। बिल्कुल जी, ये नेगेटिव फीडबैक की तरफ फिर इंसान जाता है, लेकिन अगर तो ये सिंगल सिचुएशन है, यानी एक मरतबा ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आप सामने वाले को बोल रहे हैं जरा रुक जाओ, ठहर जाओ, फिर करते हैं, बात करते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो ये तो हैंडल इस तरह हो जा सक की जा सकती है कि आप उन्हें कुछ सोल्यूशंस प्रोवाइड कर दो, उनकी बात सुन लो मुकम्मल, उन्हें बोले ठीक है मैं आपकी बात मैंने सुन ली, समझ ली है, आप इसे इस तरीके से कर लीजिए या ये काम मैं कर लूंगा या कुछ इस तरीके से। अगर कॉन्स्टेंटली 2-3 मरतबा इस तरह होता है और सामने वाले की नेचर से आपको आइडिया हो जाता है, तो यही होता है कि आप प्री प्लान्ड हो जाओ, यानी आप उस सिचुएशन में सामने वाले को लेकर ना आओ, कोशिश करो कि जितना हो सकता है इस सिचुएशन से बचो या फिर इस सिचुएशन में उस बंदे से बचो, तो दोनों काम पॉसिबल है। इसका मतलब वही है ना कि इस सिचुएशन में आप बिहेवियर को डिस्कस करते हुए बिहेवियर के लिए प्री जजमेंटल हो रहे हो, यानी पहले से आपने सोचा हुआ है या प्री प्लान्ड हो आप, आपको पुराने एक्सपीरियंस से ये बात पता है कि सामने वाले बंदे ने इस मामले पे मेरी बात नहीं सुननी या सुननी है तो माननी नहीं है, तो आप उस स्टेट में बार बार ना खुद जाओ ना सामने वाले को उस डिस्कम्फर्ट में लेकर जाओ। और ऐसा नेगेटिव जो फीडबैक हमारे आता है ना, वो तब आता है कि जब हम लाइक ऑफिस वगैरह में होते हैं या हमें क्लास में होमवर्क अपना सबमिट कराना होता है, कुछ भी होता है, तो अगर हमने वो होमवर्क नहीं किया और हमें पता भी है कि फर्स्ट टाइम हमें टीचर ने माफ कर दिया, सेकेंड टाइम कर दिया, लेकिन थर्ड टाइम तो जाहिर सी बात है हमारे पास मौका नहीं है कि वो हमें माफ करेगा, तो टीचर है वो भी गुस्सा होगा, तो हमें थर्ड टाइम अगर टीचर ने एक हमारी पनिश रखी हुई है कि उसने हमें सजा देनी है, उसने अगर
या बॉस ने हमारी पनिश रखी कि जी लेट लगानी है, तो आप बस खामोशी से इतना कह दें कि ठीक है सर आप लगा लेंगे। आपने बहस नहीं करनी कि सर क्यों लगा रहे हैं, कब होगा, क्या है। और यहाँ पे जो टीचर है या जो बॉस है हमारे, वो भी अनाउंस ना करें कि जी हमने जो है वो आपकी लेट मैंने लगा दी है, या मैं आपकी अब लेट लगा दूंगा, या मैं आपको ये पनिश कर दूंगी। बल्कि जब एक चीज डिसाइड हो गई, प्लान हो गई, तो आपने उसी हिसाब से वो चीज कर देनी है, ठीक है। बस आपने इन्फॉर्म कर देना कि बस ये आप ये चीज इसकी आपकी ये पनिश है, और ये आप नेक्स्ट टाइम अगर आप नहीं उस चीज को सही तरीके से कर पाए तो फिर ये है कि आपकी पनिश लग जाएगी। जी थैंक यू सो मच अक्सा। अक्सा का एक प्रोस्पेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है एजुकेशन सेक्टर में जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो यहाँ भी आपको फीडबैक्स देने भी होते हैं और लेने भी होते हैं, और समटाइम्स आपको सिचुएशन को डील करने के लिए कुछ पेनल्टीज अपने ऊपर लेनी पड़ जाती हैं ताकि उस सिचुएशन से कम अज कम निकला जाए। क्योंकि ऐसा जिस तरह आपने बात की ना कि जिस तरह होता है ना कि कुछ जगहों पे हमें स्ट्रिक्टली भी परफॉर्म करना पड़ता है, यानी कि अगर हम यहाँ बात करें कि हमने बहुत पॉजिटिव या बहुत पोलाइट वे में जो है वो बात करनी है, तो कहीं पर अगर हम ज्यादा पोलाइट हो गए और काम के हम एक डेडलाइन देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं, या स्टूडेंट को हम जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है आप कर लेना कर लेना, लेकिन जाहिर सी बात है कि सिचुएशन अगर हमारे हाथ से गई मैनेजमेंट के पास, तो हम किस तरीके से मैनेज करेंगे ना अगर हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है। मैं एग्जाम्पल्स को इसलिए कोट कर रही हूँ ताकि, क्योंकि मुझे भी एग्जाम्पल से ही समझ आता है, होप सो कि आप लोगों को भी आए, तो इसलिए मैं टीचर या स्टूडेंट वाली एग्जाम्पल लेकर आ रही हूँ, बॉस एम्प्लॉय वाली लेकर आ रही हूँ। उसमें होता यही है, अक्सर ये हमें सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। तो जब हमारे लिए वो पनिश या वो जो सजा हमें दी जा रही है, अगर वो हमें नहीं दी जाएगी तो हम नहीं सीख पाएंगे या हम नहीं समझ पाएंगे कि इस चीज को हमने बेहतर भी करना है। तो बाजों का जो वो कहते हैं ना कि डंडा मतलब सर पे डंडा हो और आपका काम आप काम कर रहे हो, तो वो चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो डंडा होता है ना वो भी बड़ा जरूरी होता है आपके लिए। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा ठीक बात की आपने। मैं लिसनर से अगेन ये पूछना चाहूंगा कि आपकी तरफ अगर कोई ऐसा फीडबैक है जो आपने महसूस किया हो कि सामने वाले ने आपको हर्ट किया है, तो आपने सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया है? यानी बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, अगर हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें 10 किस्म के फीडबैक सुनने को मिलते हैं। आज से नहीं, जब हम अपनी स्टडी लाइफ से शुरू होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं और जिंदगी आगे बढ़ती जाती है, लोग मिलते जाते हैं, बात करते जाते हैं, तो उनकी बातें मतलब कुछ मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन या जिनके साथ कोई ना कोई जिंदगी में जो है वो ट्रेजेडी हुई भी होती है, वो बहुत ज्यादा हसास होते हैं, एक्स्ट्रा हसास भी होते हैं कुछ लोग। तो इन सिचुएशंस में आपको फीडबैक बहुत ज्यादा मतलब चाहते ना चाहते हुए भी आपको हर्ट कर रहा होता है, तो ये चीज आपको कितनी ज्यादा हर्ट की, आप इस सिचुएशन से किस तरीके से फिर आपने उसको डील किया? अगर आप में से कोई एक्सपीरियंस शेयर करें तो मे बी हम लोगों के लिए भी कोई ना कोई टिप उसमें से निकल आए। चले आप में से अगर कोई नई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा, मे बी अल्लाह करे कि किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ही ना हो कि वो शेयर करना चाहे, तो ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन में मैं सोच रहा हूँ। अगर ऐसा भी है तो चले अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। उम्मीद है कि आपको आज की जो हमारी द आर्ट ऑफ इफेक्टिव फीडबैक के ऊपर जो वर्कशॉप है, जो ट्रेनिंग है, जो अपनी सी बात हमने करने की कोशिश की है, यकीनन आपको समझ में आई होगी। और अगर आप में से किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया और आप किसी भी चैनल से हम तक पहुंच सकते हैं तो आप जरूर पहुंचिएगा। हमारे नंबर्स आप लोगों के साथ हैं, हमारे फेसबुक आईडीज वगैरह भी आप लोगों के साथ हैं, और जो सर्विस सेंटर है नई सुबह का, वहां भी आप अपना फीडबैक लीव कर सकते हैं इस हवाले से, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। मुझे आज का जो ये ट्रेनिंग सेशन है इसको कंडक्ट करते हुए बहुत मजा आया, बिकॉज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स जो आज हमने प्रेजेंट किया आपके सामने। उम्मीद है आपको भी यकीनन बहुत मजा आया होगा, और हमें से मुझे मेरी अक्सा की कोई भी बात आपको ग्रा गुजरी हो तो मैं अपनी जानिब से बहुत ज्यादा माजरत चाहता हूँ। मेरी जानिब से आप तमाम लोगों को अल्लाह हाफिज। एक सेकेंड, मैं कुछ कहना चाह रही थी। एहसन, हेलो एहसन,
मैं कुछ कहना चाह रही थी अभी। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी, आई डोंट नो मेरी आवाज आ रही कि नहीं, प्लीज कोई कंफर्म कर दे। जी अच्छा, ओके। अच्छा, मेरी आवाज अगर आ रही है तो बस मैं आप लोगों को आपका सेशन का फीडबैक देना चाह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया, उसको समझाया, उसको इस सेशन को लेके चले। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और लेकिन मुझे यह हुआ कि इसमें स्ट्रेंथ बहुत कम थी और बात बहुत अच्छी है लेकिन ज़्यादा लोगों तक कम्युनिकेट नहीं हो सकी, तो ये रिकॉर्ड हुआ है सेशन। तो आप लोग ये सेशन जो है वो टीचर्स के साथ शेयर कर दें, एंड आई वुड सजेस्ट कि ये बच्चों के ग्रुप पे भी डाला जाए, बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है वो दिया जाए, और बाकी ये कि रिकॉर्डिंग जो है वो हम स्टाफ मेंबर भी इसको सुन सकते हैं दोबारा। अच्छा टॉपिक था, अच्छे से आपने कवर किया, वेल वेल डन। थैंक यू सो मच मिस आपके फीडबैक का और आपके एक्सपीरियंस का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा जो है, अब थैंक यू कि आप सब लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और हमें सुना, और ये मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक था। और बाकी ये कि मुझे भी एसएन से बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइक जो है वो, अगर आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं आपका आइडिया है तो आपको यहाँ बैठ के कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, या आपने ही सबको सिखाना है, बल्कि हम एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो पार्टिसिपेंट्स थे वो भी हम लोगों ने उनसे भी बहुत कुछ, जरूर खामोश पार्टिसिपेंट्स से हमने सिर्फ ये सीखा कि खामोश कब रहना है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किसी ट्रेनिंग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।